शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये सब आपकी चाल थी। नियति भाभी को नीचा दिखाने के लिए आपने ये सब किया। यहाँ तक कि मुझे बरगलाकर जहर तक खाने के लिए मजबूर कर दिया। जिस फैमिली का मान सम्मान आपका भी कंसर्न होना चाहिए, आपने उसी की बहू को हवालात में बंद कर दिया। क्यों भाभी क्यों? अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। लेकिन मैं ये सब क्यों सुना रही हूँ आपको? मैंने भी अपने परिवार नियति भाभी के खिलाफ कुछ कम गलत नहीं किया। लेकिन मैं ये भी एक्सक्यूज नहीं दे सकती ना कि मैंने जो भी किया वो आपकी उकसावे में आकर किया। चॉइस तो मेरे पास हमेशा से थी ना, लेकिन मैंने ही गलत चुनाव किया कि मैंने नियति भाभी की जगह पर आपको चुना। लेकिन काश मुझ में इतनी अकल होती कि मैं मीठा बोलने वाले दुश्मन की बजाय सच बोलने वाले शुभ चिंतक को पहचान पाती। कनु, तुम मुझे गलत समझ। आपके हौसले की दाद देती हूँ मैं भाभी। आपको अभी भी लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं आप पर यकीन करूंगी? तेरी मेरी बात तो सुनो भाभी, प्लीज बस कीजिए। कम से कम धीरे बोलो भाभी। डर लगता है कि पोल खुल जाएगी। अरे वो तो अभी खुल ही जाएगी, मैं अभी जाकर सबको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज कनिका, प्लीज कनिका, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। करो तुम्हें उसका वास्ता जैसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो ऐसा मत करना। कनु, प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहना। देखो अगर माजी को मालूम पड़ जाएगा तो वो तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। हाँ कनु, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ, जब खुद पर बात आई तो कैसे तिलमिला रही ना। लेकिन दूसरों को चढ़ाने में तो बहुत मजा आता है ना। नहीं भाभी, आपकी सच्चाई सबके सामने आना बहुत जरूरी है। तुम जाओ, लेकिन कह दो सब कुछ। बहुत ज्यादा क्या होगा, माजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। यही ना, तो निकाल ले दो। तू एक दफा पहले भी ऐसा कर चुकी है। कनु, तुझे इससे क्या फायदा मिलेगा बोल? तुझे इससे क्या फायदा मिलेगा? मेरे घर से निकल जाने के बाद अगर तुम्हारे मझले भैया पर, माजी पर, बाऊजी पर लोग हंसते हैं तभी तुम्हें क्या? तुम्हें तो अतुल के साथ अपना घर बसाना है ना, लेकिन तुम बसाओगी कैसे कनु? तुम्हें तो अपने घर की इज्जत बाजार में उछालने से ही फुर्सत नहीं है। और ये तुम कोई पहली बार नहीं कर रही हो, तुम्हें तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी। इसलिए तुम्हें जो करना है तुम वो करो, भुक दूंगी मैं। कहीं नहीं तुम माची से मेरी शिकायत करने? अरे तुम क्या जाओगी माची के पास? अब तो माची के पास मैं जाऊंगी। मैं और मैं खुद जाकर माजी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। वो सब भी जो मैंने किया है और वो भी जो मैंने नहीं किया है, लेकिन जिसके बारे में मुझे सब पता है, यानी कि तुम सबकी गलतियां। हे भगवान, ऐसे तो हमारे घर के रिश्तों में वाकई दरार आ सकती है। घर की बदनामी होगी वो अलग। रोको कनु, रोकती क्यों नहीं हो तुम? रुक जाइए भाभी। भाभी प्लीज रुक जाइए। नहीं कर,
नहीं, मुझे मत रोको। तुम एकदम सही कह रही हो। माँ जी को तुम बताओ या मैं बताऊं, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए अच्छा तो यही है ना कनु, कि माँ जी को सारी सच्चाई मैं खुद बताने जाऊं। नहीं भाभी, आपको माँ से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये मेरा मामला है और मैं खुद कहूंगी जो मुझे कहना है। वैसे आपकी तो गलती सिर्फ इतनी है कि आपने मुझे भड़काया। भड़काया? क्या कहा तुमने? अरे मैं तो सिर्फ इतना चाह रही थी कनु कि अतुल को लेकर तुम जो सपने बुन रही हो ना, वो पूरे हो जाए। मुझे लगा तुम अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अब मेरी मदद को तुमने भड़काने का नाम दिया? अरे भड़ाई का तो जमाना ही नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे ये बातें क्यों कह रही? Exactly. बातें करने का नहीं, उन्हें समझने का वक्त है। जो हो गया उसे ना मैं बदल सकती हूँ और ना आप। ये रिश्ते भी ना आटे की तरह होते, जितना पानी डालो उतना फैलते जाते हैं। वैशाली, माऊजी चाय? नहीं बहू, मेरा जी नहीं है। दीदी सबको चाय मैं देती हूँ, इसे आप मंदिर में रख दीजिए। अरे कनु, आज जल्दी उठ गई? भाभी आज अगर जल्दी नहीं उठती तो बहुत देर हो जाती। कनिका, फिर किसी ने कुछ कहा तो नहीं? या अतुल ने? बोलो कनिका, हुआ क्या? आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब मैं कुछ करूंगी ना, तो ना आपकी ये कोशिश आपके काम आएगी और ना माँ के सामने महान बनने की आपकी जिद आपके काम आएगी। अतुल के अलावा किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। आज तुम्हारी वजह से एक बार फिर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया।
इस मधुबन से उस मधुबन तक जाते जाते बदले अपने रंग छोटी उठो बेटा उठो मम्मी जी ये सच है कि सच अपनी गवाही खोद देता है पर हर बार तुम्हारा सच क्यों खामोश हो जाता है मैं मानती हूं आज मैंने एक बार वही गलती फिर से की जो हमेशा करती आई हूं तुम्हें गलत समझने की गलती मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूं मुझे माफ कर दो ऐसे माफी मांगकर आप मुझे पाप मत चढ़ाइए माँ है आप हमारी पूरा हक है आपको जैसे चाहे वैसे पेश आ सकती है हमारे साथ तो फिर ठीक है चलो अंदर हाँ हाँ चलो आपने कहा बाहर चले जाओ हम बाहर चले गए अब आप कह रही अंदर चलो तो हम अंदर चलते हैं माँ के सामने कैसी ईगो भाई पागल हो ना कोई ईगो नहीं ये माँ है हमारी मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ मैंने इन दोनों से माफी मांगी है और इन दोनों ने मुझे माफ भी कर दिया है लेकिन मैंने इसे माफ नहीं किया है लेकिन आज दीपावली का त्योहार है और त्योहार के दिन मैं कोई भी अपशगुन नहीं करना चाहती हूं आज हम त्योहार को त्योहार की तरह मनाएंगे अच्छा लग रहा है ना पंडित जी वो सब तैयारियां हो गई ना जी अजमान ऋषि समीर सब तैयार है ना तो फिर लक्ष्मी जी की आरती की तैयारी करें जी अजमान माँ लक्ष्मी और गणेश जी के चरणों में पुष्प अर्पित कीजिए जय गणपति सदगुण सदन करिवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय 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 गिरजाला
जय 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 गणपति गण राजो मंगल भरण करण शुभ काजु जय जग बदन सदन सुख दाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता जय जय गणपति गण राजू मंगल भरण करण शुभ काजु जय जग बदन सदन सुख दाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्र तुंड शुच शुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भाव राजत मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला तक पाणी कुठार त्रिशूल मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पिताम्बर तन साजित चरण पादुका मुनि मनि राजित आरती संपन्न भी ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त एवं चराचरम तत्पदम दर्शितम श्री गुरुवे नमः। अरे नेति वो फुलझड़ी से क्या कर रही हो भाई तुम? तो ये बॉम्ब लो बॉम्ब। देखो तुम बॉम्ब शॉम से डरती तो नहीं हो ना? अरे आप कहे तो हाथ पे छुड़ा दूं, डर भी नहीं लगता मुझे। पूरी शेर नहीं है मेरी बीवी। अरे तू क्यों शेर बना फिर रहा है? और तेरी बीवी जाने दीजिए ना पाऊजी। अरे क्या जाने तू, डर के मारे अंदर घुस के बैठी है। हर साल यही होता है फिर भी आप तो फिर तू फोड़ ना ये फुलझड़ी क्या ले रहा है बड़े वाला फोड़। हाँ ये फोड़ के दिखा। ये चलेगा। हाँ तुम वही रुको, मैं आ रही हूं।